So, hello guys, स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम द स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड सारे ट्रांसफर न्यूज और ट्रांसफर रूमर्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला किस तरीके, तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हेल्प कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि यूट्यूब ने वीडियो का सारे वीडियोज़ का रीच काफ़ी कम कर दिया है एंड वीडियोस लोगों को रिकमेंड ही नहीं हो रहा है। तो यार शेयर कर दोगे तो काफ़ी बढ़िया होगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो यार शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटीके मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल मैच के बारे में। एंड ये मैच कल एटीके मोहन बगान ने जीत लिया है 2-0 से। फर्स्ट कोलकाता डर्बी जीता है एटीके मोहन बगान ने एंड डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया मैच था। अगर हम लोग एटीके मोहन बगान के तरफ से देखें तो एटीके मोहन बगान के तरफ से ऑलमोस्ट पूरे टीम ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कार्ल मैक्यूग ने अच्छा परफॉर्म किया, जावी हर्नांडिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड रॉय कृष्ण डेविड विलियम्स है ही, एंड मतलब ओवरऑल पूरा टीम ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड अगर हम ईस्ट बंगाल का बात करें तो डैनी फॉक्स ने अपना 100% दिया था कल एंड एंटोनी पिलकिंगटन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड अगर हम लोग इंडियन साइड का बात करें तो मिताई एंड सूरचंद्र सिंह दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये ईस्ट बंगाल का फर्स्ट मैच था, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट मैच के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म किया ईस्ट बंगाल ने। बट डेफिनेटली देखने लायक होगा कि इस सीजन में ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस आईएसएल में कैसा रहता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद एफसी वर्सेज बैंगलोर सी मैच के बारे में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा वो लाइनअप वैसे नहीं बताऊंगा, मैं कुछ टीम के ऊपर कुछ बता दूंगा न्यूज। तो यार हैदराबाद एफसी एंड बैंगलोर एफसी दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग टीम है एंड हैदराबाद एफसी का फर्स्ट मैच बहुत ज्यादा अच्छा था एंड बैंगलोर एफसी का भी फर्स्ट मैच बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट में था एफसी गोवा। एंड डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही कांटे का मैच होने वाला है एंड इस मैच में हम लोग को पता चलेगा कि हैदराबाद एफसी इस साल कितना रेडी टीम है, क्योंकि फर्स्ट मैच में हैदराबाद एफसी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा था। एंड क्या इस मैच में लिस्टन कोलासो को फर्स्ट 11 में मौका दिया जाएगा या नहीं, या फिर मोहम्मद यासिर को ही खिलाया जाएगा? एंड बैंगलोर एफसी की तरफ से क्या डिमस डेलगाडो को फर्स्ट 11 में मौका दिया जाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोनों ही बहुत स्ट्रांग टीम है एंड ये मैच भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे हिसाब से बैंगलोर एफसी इस मैच में थोड़ा सा अपर हैंड रखते हैं एंड आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरे हिसाब से स्कोर लाइन हो सकता है 1-1 या फिर 2-1, सो देखते क्या होता है। सो नेक्स्ट हमारे जुआन फर्नांडो को लेके, सो जुआन फर्नांडो ने एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा बट एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया है। एंड इस साल आईएसएल के दोनों ही कोचेस ने दो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया है। जेरड नस से जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं बताऊंगा नहीं, जिन लोगों को पता है अच्छा है। एंड जुआन फेरांडो ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं लाइन टू लाइन बोलूंगा, मैं कुछ अपना ऐड नहीं करूंगा इसमें। तो जुआन फेरांडो ने बोला है, आई प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट द रेफरीज इन द आईएसएल बिकॉज एवरीवन नोज व्हाट इज द लेवल हेयर। तो मतलब इंडियन रेफरीज के ऊपर डायरेक्ट एकदम निशाना साधा है एंड टू सम एक्सटेंड मैं एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि इस साल मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ रेफरिंग थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। बट एकदम भी एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल का भी मैं रेफरिंग एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बट डेफिनेटली जुआन फेरांडो यूरोपियन सर्किट में कोचिंग करके आए हैं तो उनको तो एकदम टॉप क्लास रेफरिंग ही चाहिए, जो कि मैं समझ सकता हूँ। बट आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट कितना सही है या कितना गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये रहा जेरार्ड नस का स्टेटमेंट, आप खुद पढ़ लो, मतलब बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। होता है ना जोश होता है जो कोचेस के अंदर, यंग कोचेस के अंदर, जो हम लोग को देखने में बहुत मजा आता है एंड वो एक जोश पूरा दिखाया जेरार्ड नस ने कि वो कितना ज्यादा पैशनेट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को लेके। चल नेक्स्ट न्यूज आ रहा है हमारे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को लेके। सो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का जो फीफा रैंकिंग है वो 104 हो चुका है, इससे पहले 109 था, अभी 104 हो चुका है, मतलब 5 स्पॉट्स घट चुके हैं एंड ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली इंडियन फुटबॉल बहुत ही अच्छा एक पोजीशन में है अभी 104। क्या इंडिया टॉप 100 के अंदर आ पाएगा या नहीं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट एक दो मंथ के अंदर, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि इंडिया ने तो कोई मैचेस खेला ही नहीं है, बट दूसरे कंट्रीज ने मैचेस खेला है यूरोपियन सर्किट में एंड उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा था नहीं, तो इसी के वजह से उनका रैंकिंग घटा है। एज बिकॉज उनका रैंकिंग घटा है, इंडिया का रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, 104 हो चुका है। सो यार डेफिनेटली देखने लायक होगी क्या इंडिया टॉप 100 के अंदर आ पाता है नहीं, आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लगता है कि हाँ शायद इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट साल के एक दो महीने के अंदर हो सकता है कि इंडिया टॉप 100 में आ जाए। सो नेक्स्ट इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल में आज है बार्सिलोना, तो बार्सिलोना इंटरेस्टेड है हालांड के ऊपर। अभी बहुत सारे ऐसे रूमर्स आएंगे कि बार्सिलोना इस प्लेयर के ऊपर इंटरेस्टेड है, उस प्लेयर के ऊपर इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी बार्सिलोना का होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके अपने अपने राय है, उन सबको अपना अपना जो एक लिस्ट बनाने का मौका दिया जाता है कि आप कौन से प्लेयर्स को खरीदना चाहते हो। तो उस हिसाब से सारे ही जितने भी पोटेंशियल प्रेसिडेंट्स
हो सकते हैं बार्सिलोना उन सब ने बोला है कुछ ना कुछ कि मैं इस प्लेयर को खरीदना चाहता हूँ, तो उन्हीं में से एक ने बोला है कि मैं हालांड को अपनी टीम में जरूर शामिल करूंगा, मतलब बार्सिलोना में जरूर शामिल करूंगा। एंड कुछ ने बोला है कि मैं नेमार को बार्सिलोना में वापस लाऊंगा, कुछ ने बोला है कि मैं नेमार को कभी भी बार्सिलोना में फिर से वापस नहीं लाऊंगा, कुछ ने बोला है कि मैं मेसी को जाने ही नहीं दूंगा बार्सिलोना से। तो मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपको अभी सुनने को मिलेगा, बट अब कितना सही है कितना गलत या कितना वो लोग करेंगे वो नहीं पता, बट ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते, मैं उनका नाम भूल चुका, बट अगर वो प्रेसिडेंट बनते तो वो तब वो हालांड को बार्सिलोना में जरूर शामिल करेंगे। तो देखते हैं क्या हालांड बार्सिलोना में आते हैं या नहीं, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो नशूज आ रहा है वो भी आ रहा है बार्सिलोना को ही लेके। सो बार्सिलोना ने 122 मिलियन यूरो पे कट से हटा दिया है, मतलब पे कट लिया है 122 मिलियन यूरो का, मतलब इतना पोर्शन ऑफ सैलरी वो प्लेयर्स को नहीं देंगे। एंड ये जो अमाउंट है ये सारे प्लेयर्स के साथ एक प्रॉपर मीटिंग करके ही फिक्स किया गया है। एंड ये 3 साल का है, मतलब 3 साल में 122 मिलियन यूरो बार्सिलोना सेव करेंगे, उनको उतना पैसा प्लेयर्स को देना नहीं पड़ेगा। अभी मैं पूरा स्टाफ मेंबर्स का बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ प्लेयर्स नहीं, यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स, कोचेज, असिस्टेंट कोच, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेटिंग कोच, पूरा पूरा जो बार्सिलोना का स्टाफ उन सबको लेके ये लिस्ट बनाया जाता है। एंड उसमें से फाइनली 122 मिलियन यूरो बार्सिलोना ने एज अ पे कट हटा दिया है, एंड जो कि मैं बोलूंगा एक अच्छा डिसीजन, क्योंकि बार्सिलोना का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं है। एंड ये मैं बोलूंगा एक अच्छा डिसीजन, एंड प्लेयर्स की तरफ से भी मैं बोलूंगा एक पॉजिटिव साइड कि वो क्लब छोड़ना नहीं चाहते बट वो पे कट लेने के लिए रेडी है। तो यार देखते कि इन फ्यूचर क्या होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, एंड या चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो, एंड बेल आइकन को दबा देना। तो यार मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।